मैंने 2 साल पहले एक छोटा सा रिसर्च किया था, जिस रिसर्च में ये सामने आया कि गुजरात में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जिनको हम प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं, उन योजनाओं का अमल लगभग ना के बराबर है। उसके पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन आर्टिकल लिखना और इसके बाद समाज में कोई परिवर्तन आना कोई मेल नहीं है। तब हम लोगों ने पूरे गुजरात में घूमकर गुजरात के लघुमती समुदाय के विकास और रक्षण के लिए 8 डिमांड तैयार की और 3 चरण में हमने इस अभियान को तय किया। 15 अप्रैल 2017 के रोज अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान को हमने पब्लिक के सामने लाया। इस अभियान के प्रथम चरण में हमने सरकार को 1 लाख पोस्टकार्ड लिखे। पोस्टकार्ड लिखने से थोड़ा फर्क आया कि जो काम अल्पसंख्यक बहुल विस्तारों में नहीं होते थे, वो काम कुछ कुछ होना शुरू हुए। अहमदाबाद उसकी एक मिसाल है। दूसरे चरण में 18 सितंबर 2017 के रोज गुजरात के 31 जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन देने के बाद इस गुजरात में एक बहुत बड़ा काम हुआ कि पहली बार गुजरात सरकार ने अल्पसंख्यकों का एक सम्मेलन बुलाया और ये चिल्ला के बताया कि उन्होंने लघुमती समाज के लिए गुजरात में क्या किया है। इसके बाद तीसरे चरण में हम लोगों ने 1 लाख व्यक्तिगत आवेदन पूरे गुजरात से इकट्ठा करके 14 फरवरी 2018 के रोज मुख्य सचिव महोदय को दिए। इस मुख्य सचिव महोदय से मिलने का एक कारण, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया था, जबकि हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री खुद भी लघुमती समाज से ताल्लुक रखते हैं तो वो लघुमती समाज के दर्द को जरूर समझेंगे। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे समाज का एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने समय नहीं दिया और मुख्य सचिव से इस पर एक लंबी बात हुई। इसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हमको अब अभियान को सड़कों पर लाकर लोगों का, इस लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक अधिकार संविधान ने दिया है कि हम अपने मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करें, इसके तहत आज अब हम 18 दिसंबर 2018 के रोज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें गुजरात के सभी न्यायप्रिय लोगों से अपील है कि वो लोग इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें समर्थन दें, अल्पसंख्यकों को पिछड़े वर्ग से बाहर लाने के लिए उसमें उनकी मांगों का समर्थन करें। दिन को दिन मैं रात को रात ना लिखने पाऊं, दिन को दिन मैं रात को रात ना लिखने पाऊं, उनकी कोशिश है ये कि मैं हालात ना लिखने पाऊं।